one man army. Yeah! बहुत स्मूथ राइड जाती है। बड़े आराम से साइकिल चल रहा है। तो अभी मैं ऑफिस से निकला। नाउ लेट मी शो यू द पावर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बाइक। इतनी ज़्यादा पावर है। आई हैव ऑलरेडी रिडन इट फॉर ऑलमोस्ट 32 माइल्स। मैं रोज़ ऑफिस इससे जाता हूँ। 4 माइल्स गोइंग टू ऑफिस, 4 माइल्स कमिंग बैक, 8 माइल्स अ डे मैं जाता हूँ। और मैं आराम से 6 बार ऑफिस जा सकता हूँ विद वन सिंगल चार्ज ऑफ दिस बाइक। एंड इट फील्स सो पावरफुल लाइक अ मोटर बाइक, क्योंकि इसके टायर बहुत बड़े हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक बाइक स्पीड, जो कि मैं 5 तक लेके जा सकता हूँ। एंड दीज आर द गियर्स, जो 1 से 7 तक लेके जा सकता हूँ। एंड विद 5 स्पीड ये अप टू 35 माइल्स एन आवर की स्पीड पर चले जाती है। लेट्स गो बैक टू 1, क्योंकि काफ़ी अनसेफ होगा एटलांटा में 5 की स्पीड पर ड्राइव करना या फिर राइड करना। मज़ा आता है। So on the left hand side, this is the accelerator. जैसे मैं accelerator दबाता हूँ, it goes so fast, up to 20 miles an hour. और मैं road पे cars के साथ match कर सकता हूँ जिसमें। मुझे इसी lane में रहना चाहिए। Left lane is dangerous. So let's wait for these cars to keep going. जब भी आप sidewalk पे चलाते हो, you have to be careful. यहाँ से कोई car आ सकती है अचानक, तो यहाँ पे मैं slow down कर लेता हूँ। हर रोज़ की तरह Atlanta traffic is so bad. काश मैं max speed पे आज चला के दिखा सकता, because इसकी max speed है around 40 kilometers plus, which is really, really insane. मेरा सिग्नल ऑन है, मुझे कोई जाने नहीं दे रहा। जाने दिया, चलो। एंड नाउ आई एम गोना हिट द एक्सेलेरेटर एंड गो थ्रू दिस। एंड नाउ एट दिस टाइम मैं हिल क्लाइंब कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा आसान है विदाउट हिटिंग दिस एक्सेलेरेटर, क्योंकि मैंने अभी गियर सेट किया हुआ ऑन द राइट साइड टू 1. इसके 7 गियर्स हैं ऑन द राइट साइड एंड 5 स्पीड है ऑन द लेफ्ट साइड। जब बाइक पूरी फुल स्टॉप पे होती है, आई यूज़ द एक्सेलेरेटर ताकि जल्दी स्पीड पे आ जाऊँ एंड देन आई कैन ईजिली पेडल एंड गो स्मूथली। और हर बार जब भी मैं पेडल करता हूँ, जब ऊपर जा रहा होता हूँ, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हेल्प करती है मेरे नीज पर या मेरे पैरों पर। कभी जोर नहीं पड़ता, मुझे कभी भी पसीना नहीं आता ऑन दिस साइकिल। अभी हम जा रहे हैं एट द स्पीड ऑफ 20 माइल्स एन आवर। आपको शायद फील ना हो रहा हो, पर मुझे हो रहा है। ये कैंपस इस टाइम पे, इट्स करेंटली 5 PM इन द इवनिंग, पूरा कैंपस भरा पड़ा है विद स्टूडेंट्स। एंड हर बाइक की तरह गोइंग डाउन द हिल इज़ वेरी इजी। मुझे पैडल मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं हाथ भी छोड़ सकता हूँ बिकॉज इट स्टेज बैलेंस। एंड इसके टायर इतने ज़्यादा बड़े हैं, उसकी एडवांटेज क्या हो रही है कि इट इज़ वेरी फर्म। तो जो टायर पतले होते हैं, दे कैन वॉबल, बट दिस डजंट वॉबल, इट गोज स्मूथ लाइक अ मोटर बाइक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माई फेवरेट फीचर ऑफ दिस बाइक, दैट इज गियर 0, क्योंकि अगर आप चाहो तो गियर 1 पे चला सकते हो एंड इलेक्ट्रिक गियर 0 पे चला सकते हो, जिसमें यह बाइक ऑटोमेटिकली चार्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं काफ़ी टाइम 0 पे चला रहा था एंड इट बाइक चार्ज एंड इट्स स्टिल 100%। तो ये चार्जिंग के लिए बेस्ट मोड है व्हेन यू डोंट नीड टू यूज द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड यू कैन जस्ट मैन्युअली गो अप एंड चार्ज दिस बाइक। सो कूल। इसे कहते हैं रीजनरेशन या फिर बैटरी खुद से चार्ज होना। These tires are as wide as my hand almost. अब सैम की बारी टू ट्राई द इलेक्ट्रिक साइकिल। इलेक्ट्रिक ऑन है कि नहीं? ऑन नहीं किया शायद। ऑन नहीं है ना? नहीं है। पावर दबा के रखो। हाँ, अब ये वन पे। हाँ, अब स्पीड पे।
कैसा फील हुआ? मजा था। भागती है ना पूरी? बहुत अच्छी भागती है। बढ़िया, बहुत स्टेबल भी है। हाँ, क्योंकि टायर इसकी मोटर बाइक जैसे है ना। एंड मैं एक्चुअली काफी इलेक्ट्रिक बाइक्स या फिर ई बाइक्स कंसिडर कर रहा था। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज मुझे ये लगती है कि इसकी एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे है। सो बेसिकली आप कभी भी इसकी ब्रेक्स भी काफी अच्छी है, इमीडिएटली रुक जाती है। एंड बिकॉज द एक्सेलरेशन इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो गलती से एक्सेलरेट करने के चांसेस काफी। मैंने इस बाइक को राइड करते हुए मुझे एक महीना हो गया। आई हैव रिडन इट टोटल 35 माइल्स और मैं इसे एक बार चार्ज करने के बाद 7 to 8 टाइम्स ऑफिस जा सकता हूँ, विच इज रियली कूल फॉर मी। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब अगर लेट हो रहा ऑफिस के लिए, मैं भगा के जाऊँ तो 20 मिनट में पहुँच जाता हूँ। इफ आई डोंट वॉन्ट टू, लाइक मैं भगाना नहीं चाहता, एक्सेलरेट नहीं करना चाहता, आई कैन राइड इट ऑन गियर जीरो और ये बाइक चार्ज होती रहेगी। And I can reach office while charging my bike और regenerate होती रहेगी battery। So ये बहुत cool का feature है, बहुत ज़्यादा cool feature है। Price में थोड़ी सी expensive है, but आप फिर भी consider कर सकते हैं, because ये बहुत ज़्यादा stable है। और travel में थोड़े बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ी bike है तो normal car में तो नहीं जा सकती, unless आप एक bike rack खरीदो। So you can consider it and you can use my link in the description below, which will be a different link। Now time for interesting challenge। बिना पैडल यूज करे मैं इस एक्सेलेटर से कितनी ऊपर जा सकता हूँ। ये पहाड़ी है, मैं ऊपर चढ़ने वाला हूँ। एंड वी गोना गो टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विदाउट यूजिंग पैडल, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। मेरा सिग्नल ऑन है, सो अभी मैं बिल्कुल पैडल नहीं यूज कर रहा। मेरा सिग्नल ऑन है, मैं बिल्कुल पैडल नहीं यूज कर रहा। एंड ये बड़े आराम से अप टू 15 माइल्स एन आवर जा रहा है ऑन दिस हिल। एंड इफ दिस इज नॉट अ हिल, इट कैन गो अप टू 20 माइल्स एन आवर। सो काफी अच्छी स्पीड है इसकी। एंड टॉकिंग अबाउट हैंडलिंग, इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है बिकॉज ऑफ थिक टायर्स। आई कैन ईजिली टेक इट आउट फ्रॉम हियर। थिक टायर्स के कारण स्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है। सो वंस अगेन ये पहाड़ी है, मैं बिल्कुल पेडल नहीं मारूंगा। एंड इट कैन गो ईजिली अप टू 10 माइल्स एन आवर, 15। और ये पहाड़ी हमने पूरी चढ़ ली ऑफ दिस पार्किंग लॉट वंस अगेन। सो ये पहाड़ी एंड वी गोइंग एट 15 माइल्स। And let's increase the speed. Abhi hai very speed hai 1, so if I can increase to 5, then it can go up to 30 miles an hour. Halka halka pedal maar ke 30 miles an hour chal jati hai aur idhar bhag rahi hai. Halka sa pedal maarta hu 5th gear pe, ye bahut zyada accelerate hoti hai, which is very scary. And that is all for the e-bike and update regarding our course. To hamari course ki enrollment ruk rahi hai and it's going to be over for this batch ऑन संडे। तो अगर आप कम्पीट करना चाहते हो विद जीरो कोडिंग एक्सपीरियंस इन हैकाथॉन विद अराउंड 1000 स्टूडेंट्स, जो कि कुछ लोग 12th क्लास से, 11th क्लास से, कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर एंड इवन फुल ग्रोन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इवन इंक्लूडिंग स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेल्स फोर्स, हर तरह के आपको इंजीनियर्स मिलेंगे इस हैकाथॉन में। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है। इफ़ यू वॉन्ट टू फॉर्म अ टीम ऑन टाइम, तो संडे इज़ द डेडलाइन, आप कर सकते हो। उसके बाद अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट बैच में होपफुली दिसंबर या नेक्स्ट ईयर मिलेगी। बट इफ़ यू डाउन फॉर इट, यूज़ singinusa.com टू साइन अप फॉर इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।